निमुल कपल्स की अभी भरमार है फुकेट के अंदर। तो अभी मैं शांति से बैठ जाता हूँ, बिकॉज अभी मेरा स्पीड बोट धीरे धीरे स्पीड पकड़ रहा है, तो खड़ा रहना मतलब अच्छा नहीं है, गिर जाते हैं, एक्सीडेंट हो सकता है। और अच्छी बात तो यह है कि इसके अंदर सारा हमारा इंक्लूड है, जैसे कि वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ इंश्योरेंस, तो इंश्योरेंस भी हमारा इंक्लूड है इसके अंदर, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट सेफ्टी एंड रूल्स हमको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, राइट। चलो व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल बैंकॉक बबल्स। कैसे हो आप सब लोग, मैं हूं आपका दोस्त सर। सो गाइज, अभी मैं फिलहाल हूं फुकेट के वन ऑफ द बेस्ट फेमस आइलैंड के अंदर, जिसका नाम है फीफी आइलैंड, और मैं भी खड़ा हूं एग्जैक्टली माया बे के ऊपर। और मेरे सामने इतना ब्यूटीफुल नज़ारा है कि भाई आपको मैं दिखाऊंगा, सीरियसली मतलब आपका दिल खुश हो जाएगा। तो मैं तो अभी यहाँ पे फिलहाल खड़ा होती यार, बात ही मत पूछो कितना दिल खुश है। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको पूरा फीफी आइलैंड का टूर दिखाऊंगा कि मैंने कैसे मतलब स्पीड बोट से मैं आया, और काफ़ी सारे एक्टिविटीज़ मैं करने वाला, जैसे स्नॉर्कलिंग है, स्कूबा डाइविंग है, मेरा लंच भी इंक्लूड है, और काफ़ी सारे एक्टिविटीज़ है, मैंने पूरा फुल पैकेज बुक किया है। एंड अगर आपको कोई ऐसी जानकारी चाहिए फुकेट के रिलेटेड, तो आप बिल्कुल मेरे को पूछ सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है आपको नीचे शो कर रहा है, जाकर आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे भी हम बात करेंगे। तो ठीक है गाइस, बहुत बात नहीं करेंगे, आज का वीडियो आपको पूरा देखना है, सभी भाइयों से शेयर भी करना है, और चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना मत, ठीक है। चलो तो ये है गाइस वन ऑफ द बेस्ट प्लेस इन फीफी आइलैंड, माया बे। इसकी खूबसूरती आपका मन मोह लेगी, देखो बहुत ही ब्यूटीफुल सा एंड नीट एंड क्लीन, मतलब जो ये लोग ने टेक केयर किया है यहाँ पे, मतलब कोई कचरा नहीं है, कोई गंदगी नहीं है, बहुत अच्छी तरीके से ये लोग ने टेक केयर किया है। ये पूरे मतलब जो नेशनल पार्क का एरिया है, जिसको नेशनल पार्क बोलते हैं, ये माया बे आसपास का सारा एरिया नेशनल पार्क है, वो पूरा रिजर्व है गवर्नमेंट के अंडर में, जिसका फी भी पे करना पड़ता है, जैसे कि आपको मालूम है 400 बार। गाइस मैं फाइनली पहुँच चुका हूँ माइथन आइसलैंड के, जो वन ऑफ द बेस्ट प्लेस है स्नॉर्कलिंग करने के लिए। तो अभी हमारे साथ में और दो बोट्स है, स्पीड बोट। फिलहाल की सर्विस तो अभी गुड है, सब कुछ अच्छे से चल रहा है, और पानी में आपको दिखा तो देखो भाई, क्रिस्टल क्लियर वाटर है अभी यहाँ पे, एकदम क्लीन। और देखो फिश का बड़ा झुंड भी नज़दीक में आ गया है, अभी शायद आपको दिखे, पानी तो भाई एक नंबर है। फीफी आइलैंड में आओगे तो सब बढ़िया रहेगा। और ये देखो मेरे को किट भी दे गई है ऑलरेडी स्नॉर्कलिंग करने के लिए। तो जैसा कि आप वीडियो के अंदर देख सकते हैं, अभी चल रहा है यहाँ पे स्नॉर्कलिंग एक्टिविटी, देखो। और आप देख सकते हैं यहाँ पे केव्स है, बड़ी बड़ी केव्स देखो सामने, नज़ारा काफ़ी सुंदर है यहाँ पे, देखो। देखते ही जाओ भाई, कुदरत के नज़ारे देखो, इसको बोलते हैं अमेजिंग आइलैंड। यहाँ पे बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर वाटर है, ग्रीन ग्रीन, पूरा ब्लू ब्लू वाटर, कोई जगह पे ग्रीन दिख रहा है, कोई जगह पे ब्लू दिख रहा है, बट पानी बहुत साफ है, पूरा नीचे तक मतलब आप देख सकते हैं, देखो। पानी को देखो, पैसा वसूल है भाई यहाँ पे, देखो। बस यार अब तो कोई वर्ड्स नहीं है बताने के लिए, बस आप देखते ही जाओ। तो भाई अभी फाइनली मैं पहुंच चुका हूँ, फिले लगुन नाम का आइलैंड है, तो यहाँ पे हमको 30 मिनट दिया गया है, मैंने अभी कोल्ड ड्रिंक लिया है क्योंकि बोट के अंदर काफ़ी अच्छा इंतज़ाम है। मैं आपको थोड़ा दिखा दूँ, यहाँ पे फैंटा, मिरिंडा, स्प्राइट, सब कुछ आपको पानी ठंडा सब इंतज़ाम किया हुआ है, ठीक है। और छोटा सा यहाँ पर टॉयलेट भी है, कोई चेंज क्लोथ करना है, क्लोथ चेंज करना है, टॉयलेट पानी जाना है, तो यहाँ पर भी सुविधा है स्पीड बोट के अंदर। और यहाँ पर है हमारे सामने गाइड,
तो उनको फॉलो मैं करता हूँ, चाहे मैं जानता हूँ नहीं जानता हूँ, बट उनको फॉलो करना ये ज़रूरी है। अच्छा है कि इतनी गर्मी के अंदर भी इतने अच्छे कोल्ड ड्रिंक्स मिलते हैं यहाँ पे, और फ्री ऑफ कॉस्ट इंक्लूड होता है हमारी जो ये पूरी टूर है उसके अंदर। और पीछे का भी एग्जैक्टली मैं आपको नज़ारा दिखा दूँ कि क्या पीछे एक्टिविटीज़ होती है। चलो तो यहाँ पे अभी लोग खड़े हैं वेट कर रहे हैं अंदर जाने के लिए। तो छोटा एक कायक बोट आता है, एक सर्फ बोट आता है, आपको दिया जाता है, ये भी पैकेज के अंदर इंक्लूड रहता है। और पीछे आप स्नॉर्कलिंग करना चाहते हैं, स्विमिंग करना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। ये क्रिस्टल क्लियर बोट, ये फाइबर बोट आती है। देखो यहाँ पे स्पीड बोट का मतलब पूरा पब्लिक ही पब्लिक है, बहुत सारी बोट है। अभी देखो यहाँ पे आई थिंक 50-60 से ज़्यादा बोट होगी, और अलग अलग कंट्री के लोग भाई यहाँ पे क्या मौज मस्ती कर रहे हैं। देखो मस्त है भाई, पूरा पैसा वसूल है पूरा दिन। और फीफी आइलैंड में अगर आना है तो ऐसी अच्छी वाली एक्टिविटी का बोट चूज़ करना है, क्योंकि लोग क्या है गलती करते हैं, सस्ता वाला ऑप्शन लेते हैं, बाद में उनको अच्छा सर्विस नहीं मिलता है, काफ़ी एक्टिविटीज़ नहीं मिलते। तो मैं तो सजेस्ट करूँगा कि आप अच्छी वाली बोट और अच्छी एक्टिविटीज़ आप चूज़ कीजिए, ठीक है। क्योंकि मेन बात तो ये है कि जैसा आप पेमेंट करोगे वैसे आपको सर्विस मिलेगी। तो यहाँ पे अभी है 30 मिनट, तो मैं यहाँ पे थोड़ा स्विमिंग करूँगा, उसके बाद में मेरा मेन एक्टिविटी उसके लिए जो मैं एक्साइटेड हूँ जिसका नाम है स्कूबा डाइविंग, तो उसके बाद में मैं करूँगा। बाद में शायद मेरा लंच होगा और बाद में और एक आइलैंड पर जाकर फिनिश करेंगे आज का टूर, ठीक है। तो एंजॉय करो आज का वीडियो। मौका मिल गया है पानी में जाने का, तो चलो। बढ़िया है भाई, पानी भी बहुत मस्त है। बाहर बहुत गर्मी लग रहा था तो सोचा चलो पानी में जाके आओ, तो अच्छा सा खासा ठंडक हो गया, मतलब बहुत पसीना हुआ था बॉर्निंग से, अभी काफ़ी आराम हो गया। अभी देखो यहाँ पे लोग ऐसे कायक भी करते हैं, पैकेज के अंदर इंक्लूड है, हमारा भी था, मैंने भी ऑलरेडी कर लिया। एंड अभी कुछ लोग हैं जो लाइफ जैकेट पहन के, जिनको स्विमिंग नहीं आता है उन लोग को लाइफ जैकेट पहन के करना पड़ता है। मेरे केस में मैं स्विमिंग करता हूँ तो मेरे को मतलब कोई इश्यू नहीं है, अपना चलता है भाई सब काम। चलो feeling here. Awesome. Jannat. Jannat, huh? Woo! क्या हुआ कि मैं सामने गया जस्ट यहाँ पे टच करने के लिए, तो उसके बाजू में ऊनी था, मतलब एक जापानीज फूड आता है ना वैसा ही, एक जो कांटेदार, तो मैं सीधा छोड़ के भागा भाई। ये तो डेंजर चीज़ है कांटे वाली, वो कभी भी अटैक कर सकती है। घर में भी है शायद बहुत सारे, देखो गाइस इधर में भी है शायद आपको अंदर दिखे। चलो अब जाते हैं तैर के सीधा उधर।
फिलहाल गाइस मैं खड़ा हूँ माया बे के ऊपर और आप देख सकते हैं सामने का ब्यूटीफुल नज़ारा, आप जन्नत बोल सकते हैं भाई इसको। ये है भाई थाईलैंड की जन्नत। और अभी जल्दी जल्दी मेरे को रिटर्न होना पड़ेगा बिकॉज मेरे को टाइम दिया गया है मेरी गाइड ने कि आपको टाइम टू टाइम रिटर्न आना है। ये है वेलकम टू माया बे। यहाँ पे काफ़ी लोग फ़ोटो खींचाते हैं, फ़ोटो खींचने के लिए यहाँ पे बहुत सारी जगह है, मतलब कहीं पे भी जाकर आप वीडियो फ़ोटो शूट कर सकते हैं। और सामने भी काफ़ी बोट्स खड़ी है, यॉट खड़ी है, ठीक है, बट ये पूरा रिजर्व एरिया, यहाँ तक कुछ नहीं आ सकता, ठीक है। और आगे में भी बहुत सारी ऐसी ब्यूटीफुल जगह है, केव्स है छोटी छोटी, जहाँ कर आप जाके वीडियो फ़ोटो ले सकते हैं, बट इसके लिए आपको टाइम चाहिए। तो चलो अभी चलते हैं वापस बोट की तरफ, क्योंकि गाइड को फॉलो करना भी इतना ही ज़रूरी है। पानी के साथ बहुत मस्ती की और काफ़ी सारे हमारे इंडियंस भी थे, मतलब हनीमून कपल्स बहुत है अभी, तो वो लोग भी हमारे साथ स्पीड बोट के अंदर थे, बहुत मज़ा आया भाई। और उसके बाद में मैं जाऊँगा स्पेशली स्कूबा डाइविंग करने के लिए, तो वीडियो को पूरा एंजॉय करना, एक एक चीज़ आप देखना मैं कैसे करता हूँ, कैसे क्या है, मैं ट्राई करूँगा जितना, मतलब मैं कंटेंट अच्छा बना सकता हूँ मैं ट्राई करूँगा आपसे शेयर करने के लिए, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मेरा इंस्टाग्राम आपको नीचे शो करा है, जाकर आप मेरे को फॉलो कर लेना, ठीक है।